चंद्रा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महमूद हसन अपना जो है पहला वीडियो या पहला लेक्चर टीजीटी बायोलॉजी टॉपिक इंडोक्राइन सिस्टम लेकर उपलब्ध हुआ हूँ। दोस्तों, इंडोक्राइन सिस्टम ये हमारे बायो टीजीटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो है हम पूरा जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का हम अध्ययन करेंगे या इंडोक्राइन ग्लैंड का अध्ययन करेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब ऐसी ग्लैंड, ऐसी ग्रंथि जिसकी संरचना में नली ना पाई जाए, नलिका ना पाई जाए, तो ऐसी ग्रंथियों को हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। एक साइंटिस्ट है जिनको हम कहते हैं एडिसन। एडिसन इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को हम कहते हैं अंतःस्रावी विज्ञान या इंडोक्राइनोलॉजी। ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड इंडोक्राइनोलॉजी। अब शरीर में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का ये चार्ट है। जैसे बात हो रही है अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, गोनैड, और गोनैड में हमारा आता है टेस्टिस और ओवरी आता है। ये शरीर की जो है प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब इनमें आज हम जो है डिस्कशन करेंगे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि की, पिट्यूटरी ग्लैंड की। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को किस नाम से हम जानते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत सी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर ये नियंत्रण रखती है। इसके हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखते हैं, जिसके कारण इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सब में ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इट इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। अगर इसके हम लोकेशन की बात करते हैं, इसकी स्थिति की बात करते हैं, तो ये मानव के ब्रेन या मस्तिष्क में स्थित होती है, लोकेटेड इन ब्रेन। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है डायनसीफेलान, डायनसीफेलान के वेंट्रल सरफेस को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस भाग से हाइपोफिजियल स्टाल के द्वारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है, कनेक्ट होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस भाग से हाइपोफिजियल स्टाल के द्वारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है। अब बात की जाए ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर इसकी हम स्ट्रक्चर या संरचना की बात करते हैं, तो ये मुख्य रूप से दो पिंडों की बनी होती है। एक को हम कहते हैं एंटीरियर लोब, या इसी को हम कहेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा इसका जो लोब्स है, दूसरा ये जो पिंड है, इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर लोब, या इसी को हम कहेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये दो मुख्य पिंडों से ये बनी होती है। अब इन दोनों पिंडों से, और एक बात और, अगर हम बात करें कि ये ब्रेन में कहाँ स्थित होती है, तो ब्रेन में एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं स्फिनॉइड बोन। तो स्फिनॉइड बोन, और स्फिनॉइड बोन में एक गर्त होता है, एक सॉकेट होता है, जिसको हम कहते हैं सिला टार्सिका। तो ये ब्रेन के स्फिनॉइड बोन के सेला टार्सिका नामक ये गर्त में स्थित होती है, और ये जो है हाइपोथैलेमस भाग से हाइपोफिजियल स्टाल के द्वारा ये ग्लैंड कनेक्ट होती है। अब बात हो रही है एंटीरियर लोब या एडिनो हाइपोफाइसिस की। तो प्रत्येक पिंड से बहुत से हार्मोन निकलते हैं। बात हो रही है एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब्स के हार्मोन की। तो एंटीरियर लोब से बहुत से हार्मोन निकलते हैं। एक प्रमुख हार्मोन इसका है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, जिसको हम एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जैसे नाम से क्लियर है, ग्रोथ हार्मोन यह व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि कराता है। लंबाई में व्यक्ति की वृद्धि जन्म से लेकर के 17 से 21 साल तक होती है। अगर व्यक्ति 17 से 21 वर्ष की अवस्था को पार कर लेता है, तो उस दशा में मानव शरीर में जो लंबी लंबी हड्डियां होती है, जांघ की हड्डी हो गई या रीढ़ की हड्डी हो गई,
तो हड्डियों के अंतिम सिरे पर बन जाता है एपिफाइजियल प्लेट। जब ये प्लेट बन जाता है तो उस दशा में व्यक्ति की वृद्धि लंबाई में क्या हो जाती है, रुक जाती है, और ये प्लेट का फॉर्मेशन 17 से 21 वर्ष के बाद होता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि जो होती है बर्थ से लेकर के 17 से 21 साल तक होती है, इसी को हम कहते हैं ग्रोथ पीरियड। अगर ग्रोथ पीरियड में इस हार्मोन की कमी हो जाती है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन की या ग्रोथ हार्मोन की, तो हार्मोन की कमी को हम कहते हैं हाइपोसिक्रेशन। अगर ग्रोथ पीरियड में हाइपोसिक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का, तो उस दशा में व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती है, बहुत लेस ग्रोथ होती है। जब कम वृद्धि होती है तो इसी को हम कहते हैं डॉर्फिज्म या बौनेपन का रोग। दूसरा, अगर ग्रोथ पीरियड में इस हार्मोन की अधिकता हो गई ग्रोथ हार्मोन की, तो हार्मोन की अधिकता को हम कहते हैं हाइपरसिक्रेशन, और इसके हाइपरसिक्रेशन से ग्रोथ पीरियड में व्यक्ति की लंबाई में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, इसी को हमने नाम दे दिया जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म, पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म, तो पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म अकर्स ड्यू टू द हाइपरसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ग्रोथ पीरियड। फिर अगर बात की जाए, अगर व्यक्ति जो है 17 से 21 वर्ष की अवस्था को पार कर लेता है, तो उस दशा में व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि नहीं बढ़ती है, क्योंकि प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। जब प्लेट बन जाता है, अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो गई आफ्टर ग्रोथ पीरियड हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो उस दशा में हाथ पैर और जबड़ों की हड्डियां जो है अनियमित रूप से बढ़ जाती हैं। जब उंगलियों की अस्थियां या हड्डियां अनियमित रूप से बढ़ जाती हैं और व्यक्ति का जबड़ा बढ़ जाता है, तो व्यक्ति का चेहरा कुरूप लगने लगता है, उंगलियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इसी रोग को हम नाम देते हैं एक्रोमिगैली। तो तीन प्रमुख रोग हमने पढ़ा, ग्रोथ पीरियड में ग्रोथ हार्मोन की कमी से डॉर्फिज्म, और ग्रोथ पीरियड में ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से जाइगेंटिज्म, और 21 वर्ष के बाद आफ्टर द एज ऑफ ग्रोथ पीरियड इस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमिगैली नामक रोग हो जाता है। हाँ, तो दोस्तों बात हो रही थी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब्स के हार्मोन की, मतलब हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब। हमने जो है एक हार्मोन इससे जो निकलता था ग्रोथ हार्मोन, इसकी चर्चा कर दिया है। अब बात हो रही है अन्य हार्मोन की जो कि निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपिंड से, उनमें नाम है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अदर नेम है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अगला हार्मोन है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगला हार्मोन है ACTH एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इतने मुख्य रूप से जो हार्मोन है हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड से निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, FSH, LH, TSH, ACTH और प्रोलैक्टिन। अब बात हो रही है FSH की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की और LH हार्मोन की। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर इसको हम जानना चाहें, तो होता है क्या है कि फीमेल्स या लेडीज में ओवरी या अंडाशय पाया जाता है, और MC जब खत्म हो जाती है तो उसमें ग्रेफियन फॉलिकल जो है बनती है। तो ओवरी में बनती है ग्रेफियन फॉलिकल, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल जो होती है इसके डेवलपमेंट में जो है दो हार्मोन कार्य करते हैं, FSH हार्मोन वर्क करता है और LH हार्मोन वर्क करता है। MC समाप्त होने के 7 दिन तक हार्मोन वर्क करता है FSH, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। कहने का मतलब यह है कि ग्रेफियन फॉलिकल पाई जाएगी ओवरी में, और ओवरी में ग्रेफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को प्रेरित करता है FSH हार्मोन, और ये हार्मोन वर्क करेगा MC समाप्त होने के नेट 7 डेज तक। उसके बाद नेट 7 डेज पे ये वर्क करता है LH हार्मोन, और ये LH हार्मोन जो होता है 14th डेज के पश्चात, 14 दिन के पश्चात, MC समाप्त के 14 दिन के पश्चात ये ओवुलेशन को प्रेरित करता है। ओवुलेशन का मतलब ये हुआ कि ग्रेफियन फॉलिकल जो ओवरी में है इसमें से एक सेल बाहर निकल आता है, रैप्चर कर जाते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ओवुलेशन।
फीमेल्स की केस में FSH जो हार्मोन होता है ये डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल के निर्माण को प्रेरित करता है, और पुरुषों में मेल्स के केस में टेस्टिस में विरसड़, जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें जो है टेस्टिस में बनता है हमारा स्पर्म या शुक्राणु जो बनता है, उसके शुक्राणु या स्पर्म के निर्माण को यह प्रेरित करता है FSH हार्मोन। तो इट प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को यह प्रेरित करता है, बाकी ग्रेफियन फॉलिकल के निर्माण को प्रेरित करता है ये FSH हार्मोन। दूसरा प्रमुख हार्मोन है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसा कि अभी हमने बताया 14 दिन के पश्चात MC के 14 दिन के पश्चात ये हार्मोन ओवुलेशन को प्रेरित किया, ग्रेफियन फॉलिकल को रैप्चर करके ओवम बाहर निकल आया, इसी प्रक्रिया को हमने कहा ओवुलेशन। LH का दूसरा मेन वर्क है ये पुरुषों में जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में एंड्रोजन या नर हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के डेवलपमेंट विकास या निर्माण को प्रेरित करता है LH हार्मोन। नेक्स्ट बात हो रही है अगले हार्मोन की, और यह है TSH हार्मोन। TSH जैसे नाम से क्लियर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये हार्मोन बहुत पूछता है एग्जाम में कि TSH कहाँ से निकलता है, तो TSH निकलेगा हमारे पिट्यूटरी से, और ये थायराइड ग्लैंड को उसके हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से क्लियर है ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को उसके हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम थायराइड ग्लैंड बताएंगे तो उसमें इसकी डिटेल से चर्चा होगी। इसी तरीके से अगला हार्मोन है पिट्यूटरी के अग्रपिंड से ACTH एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये भी उसी तरीके से वर्क करता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, और उस एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, और उस एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को प्रेरित करेगा निकालने के लिए कौन सा हार्मोन ACTH। तो ACTH ये भी निकलेगा पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन के निर्माण को ये प्रेरित करता है। नेक्स्ट बात हो रही है पिट्यूटरी के अग्रपिंड से होने निकलने वाले प्रोलैक्टिन हार्मोन की, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ये जो होता है फीमेल्स केस में लेडीज केस में इट डेवलपमेंट ऑफ मैमिलरी ग्लैंड, इसका जो मेन वर्क होता है मादाओं में या फीमेल्स में या लेडीज में अस्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है, और शिशु जन्म के पश्चात अस्तनों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। तो इस हार्मोन का दो मेन वर्क है डेवलपमेंट ऑफ मैमिलरी ग्लैंड एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन मैमिलरी ग्लैंड, या हम कह सकते हैं मिल्क का सिक्रेशन करता है, तो अस्तनों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करेगा, दूध के श्रावण को प्रेरित करेगा, और जन्म के पश्चात शिशु माताओं में जो है अस्तन ग्रंथियों के विकास को भी ये हार्मोन प्रेरित करता है। हाँ, तो दोस्तों बात हो रही है पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्चपिंड के हार्मोन की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पश्चपिंड का जो हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर लोब, या पश्चपिंड को हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस या पश्चपिंड से दो प्रमुख हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूसरे हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन। अब बात की जाए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसे हम मैटरनिटी हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं, मातृत्व हार्मोन जिसको हम कहते हैं, इसको हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। ये इसका मेन वर्क जो होता है स्त्रियों में माताओं में जब गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है, गर्भावस्था की पूर्ण होने के पश्चात ये गर्भाशय की पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है, और संकुचन उत्पन्न करके शिशु जन्म को आसान बनाता है, चाइल्ड डिलीवरी कराता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो है शिशु जन्म कराएगा, और जन्म के पश्चात जो है माताओं के स्तन में दुग्ध निर्माण और दुग्ध श्रावण और मिल्क इजेक्शन को प्रेरित करता है यह हार्मोन।
इसलिए माता का शिशु के सेंस में दो कार्य होता है, ये तो जन्म देना और दूसरा दूध पिलाना, और ये दोनों कार्य करा रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसीलिए इसको हम कहते हैं मैटरनिटी हार्मोन या मातृत्व हार्मोन। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो स्तन के निप्पल से जो मिल्क का इजेक्ट सिक्रीशन होता है, निकलता है वहां से, फिकाव जो होता है उसी को हम कहते हैं इजेक्शन, इसको हम कहते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, एक जो अग्रपिंड से निकला था लैक्टोजेनिक हार्मोन वो भी सिक्रीशन को प्रेरित करता है, लेकिन ये हार्मोन मुख्य रूप से मिल्क इजेक्शन को प्रेरित करता है, स्तनों से दूध के फिकाव को ये प्रेरित करता है। तो ये कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन आता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, तो हम क्या टिक करेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। अभी हमने बताया कंट्रैक्शन इन यूट्रस गर्भाशय की पेशियों में संकुचन उत्पन्न करके शिशु जन्म को ये क्या करेगा आसान बनाएगा। इसके अतिरिक्त स्तनों के विकास को तो प्रेरित किया ही, ठीक है, उसमें स्पेशल रूप से मिल्क इजेक्शन को ये प्रेरित करता है। फिर बात हो रही है दूसरे प्रमुख हार्मोन की, और वो जो हार्मोन है वो है क्या, वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन को एक और नाम से हम जानते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसकी अगर हम चर्चा करें एडीएच की, तो यहां से इसको समझते हैं, मानव शरीर में एक अंग होता है उत्सर्जी अंग या स्केटरी आर्गन, जिसको हम कहते हैं किडनी या वृक्क कहते हैं, और किडनी या वृक्क की संरचना में पाई जाती है यूरिनरी ट्यूब्यूल, जिसको हम कहते हैं वृक्क नलिका। तो यूरिनरी ट्यूब्यूल या वृक्क नलिका में ब्लड फिल्टर होता है, मतलब जल का शुद्धिकरण होता है, और यहाँ से ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है हमारी यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल या वृक्क नलिका, और यहाँ से ये कनेक्ट होती है ब्लड वेसल्स, ये है ब्लड वेसल्स यहाँ तक की। अब होता क्या है, वृक्क नलिका में जल जो होता है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जब ब्लड फिल्टर होता है तो ब्लड में अनावश्यक जल फिल्टर होकर के ये जाता है वृक्क नलिका में, और ये जब जल ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है तो जब ये जल भाग चला जाता है डीसीटी भाग में, एक भाग होता है वृक्क नलिका का डीसीटी भाग, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तो जब ये डीसीटी भाग में वाटर पहुंचता है तब हार्मोन वर्क करता है एडीएच हार्मोन, और इस डीसीटी भाग से वाटर के एब्जॉर्बशन को प्रेरित करता है एडीएच हार्मोन। कहने का मतलब ये हुआ कि डीसीटी भाग से पानी को अवशोषित करा करके ये भेज देता है ब्लड वेसल्स में, कौन हार्मोन, एडीएच हार्मोन। अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो गई, अगर इसकी कमी हो गई तो डीसीटी भाग से जल अवशोषित नहीं हो पाएगा या कम, बहुत कम मात्रा में अवशोषित हुआ। कहने का मतलब यह हुआ कि जितना फिल्टर ब्लड था, जितना सब वाटर था, वो यहाँ से यहाँ आया और फिर डीसीटी भाग से होते हुए ये चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली में। कहने का सेंस ये हुआ कि डीसीटी भाग से जल का अवशोषण नहीं हुआ या बहुत कम हुआ, क्योंकि एडीएच की कमी है, एडीएच ही यहाँ से अवशोषित करके यहाँ भेजता है, जब इसकी कमी हो गई तो यहाँ से यहाँ ब्लड फिल्ट्रेट जो है वाटर से, या जिसको हम यूरिन कहते हैं, ब्लड यहाँ से यहाँ भेजा नहीं गया। अर्थात कहने का सेंस यह, जितना का जितना सब ब्लड फिल्टर हुआ था वो वाटर सब यूरिन में कन्वर्ट हो गया, सब पानी जो है यूरिन में जब कन्वर्ट हो गया तो उस रोग को हम नाम दे देते हैं, इसकी कमी से जो रोग हुआ, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस कहने का सेंस ये हुआ कि यूरिन जो रहेगा उसमें 99% वाटर, उससे भी अधिक हो जाता है, 99% से भी अधिक यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है और बहुत तुरंत जो है पानी पीता है, तुरंत वो फिर फिल्टर होकर के फिर वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो व्यक्ति यूरिन भी बहुत करता है। ऐसे रोगी प्रतिदिन जो है 20 लीटर यूरिन जो है उत्सर्जित करते हैं, और 24 घंटे या प्रतिदिन जो है यूरिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1.5 लीटर पर डे ये होना चाहिए।
और एडीएच की कमी हो गई तो जो रोग हुआ जिसको हमने कहा डायबिटीज इंसिपाइटस, या इसी को हिंदी में हम कहते हैं उदक मेह का रोग। इसमें यूरिन की मात्रा कितनी हो गई, 20 लीटर पर डे हो गई, मतलब यूरिन पतला हो गया, इसमें वाटर का परसेंटेज कम हो गया। तो जब ब्लड में वाटर नहीं जा रहा है यहाँ से एब्जॉर्ब हो करके यहाँ, तो उस दशा में ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। तो डायबिटीज इंसिपाइटस का जो पेशेंट होता है उसमें ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, यूरिन पतला हो जाता है, यूरिन में वाटर का परसेंटेज बढ़ जाता है। वाटर का परसेंटेज यूरिन में होना चाहिए 95%। और इस रोग में, उदक मेह के रोग में या डायबिटीज इंसिपाइटस में वाटर का परसेंटेज कितना हो जाता है, मोर देन 99%। कहने का मतलब यूरिन पतला हो गया, ब्लड गाढ़ा हो गया, पानी की मात्रा जो है यूरिन में, यूरिन के थ्रू जो है पर डे व्यक्ति यूरिन के यूरिन उत्सर्जित करेगा 20 लीटर पर डे। इसी को हमने कह दिया डायबिटीज इंसिपाइटस। तो डायबिटीज इंसिपाइटस जो रोग होता है वो एडीएच हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है।